आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल में संख्याओं को घटाने का तरीका। इसके लिए हमारे पास चार तरीका है, तो चारों तरीका को सीखेंगे। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम है यहाँ पास, वो सैलरी कितना पाता है वो है, और यहाँ पास एडवांस दिया हुआ है कि एडवांस में इन्होंने महीना कंप्लीट होने से पहले ही कुछ पैसा ले लिया है कंपनी से। तो अब हम लोग को करना क्या होगा कि नेट सैलरी प्राप्त करने के लिए ये 25,000 से जो मेन सैलरी है उससे 5,000 को घटाना है। तो यही घटाने के पांच तरीके हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका बराबर सम ब्रैकेट ऑन। ब्रैकेट ऑन करने के बाद इस संख्या पर क्लिक कर देना है जो जो इसका सैलरी है। इसके बाद माइनस, माइनस देने के बाद उस संख्या को घटा देना है जितना ये ले चुका है। तो हम लोग क्लिक कर देते हैं और फिर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, इंटर बटन प्रेस कर देंगे। ये देखिए 20,000 रुपये आ गया। अब सेकेंड हम लोग का जो तरीका है वो है बराबर सम ब्रैकेट ऑन। इसके बाद यहाँ पर करना क्या है कि सैलरी को लिख देना है, फिर माइनस, फिर जितना एडवांस ले चुका है, फिर ब्रैकेट को क्लोज, फिर इंटर बटन प्रेस कर देना है, तब भी आ जाएगा। तीसरा तरीका है इसका बराबर 25,000 माइनस 5,000, फिर इंटर बटन। चौथा तरीका इसका होगा बराबर 25,000 माइनस 5,000 वाले पे क्लिक कर देना है, फिर इंटर बटन, तो भी इसका आंसर आ जाएगा। तो ये चार तरीका है आपका संख्याओं को घटाने का। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।